दोस्तों, क्या आपका YouTube चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आता है? तो अगर आपका YouTube चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आता है तो आप अपने चैनल पे वो कौन सा गलती कर रहे हैं जिससे आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर बताए गए प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका जो चैनल का नाम होगा वो टॉप में सबसे पहले आपका नाम दिखेगा। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक, आप भी अपने चैनल को फर्स्ट रैंक में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, YouTube चैनल सर्च में लाने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप अपना चैनल का नाम किस टाइप का रखे हैं। अगर दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा लंबा नाम रखे हैं तो लोग आपके चैनल को टाइप करके जो है लोग सर्च नहीं करेंगे। आप हमेशा अपने चैनल को एक से दो वर्ड का ही आप नाम रखिए। मैक्सिमम अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो तीन ही रखें, जो पहले से कोई नहीं बनाया है वही नाम आप रखिए और एक से दो वर्ड का ही रखिए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसमें एक से दो नाम का चैनल रहता है, मतलब एक से दो वर्ड का नाम का चैनल रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपना कुछ यूनिक नाम रखिए जो पहले से रखा हुआ नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो नाम आप रखना चाहते हैं वो यूनिक है कि नहीं, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद अगर दोस्तों वो यूट्यूब पर अकाउंट है तो आपको बता देगा, अगर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस नाम से अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपको वहाँ पर बता देगा, अगर नहीं है तो वो भी बताएगा कि ये इस नाम से नहीं है। इसके साथ में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यूट्यूब में ही सर्च कीजिए, जो नाम आप रख रहे हैं वो नाम यूट्यूब के सर्च में सर्च कीजिए और फिल्टर में जा करके आप चैनल फिल्टर करके देख लीजिए। अगर वहाँ पे सर्च में नहीं आ रहा है तो आप उस नाम को रखिए। तो आपको पता चल गया है कि आपको यूनिक नाम रखना है और कैसे पता करना है कि आपको ये चैनल का नाम देना है या नहीं। अगर आपने चैनल बना लिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला अब आपको सेट करना होता है, वो है चैनल का कीवर्ड। जब तक आप अपने चैनल में कीवर्ड नहीं सेट करते हैं तब तक दोस्तों आपका चैनल सर्च में नहीं आता है। तो आपको कीवर्ड सेट करना है। तो आपको कीवर्ड सेट करने के लिए क्या करना होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर जा सकते हैं, studio.youtube.com को ओपन कर लीजिएगा और साथ में आप लेफ्ट साइड में नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों चैनल कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर जा करके आप चैनल सेटिंग में जाके आप यहां पे कीवर्ड सेट कर दीजिए। आपका जिस भी रिलेटेड चैनल है आप वहां पे कीवर्ड सेट कर दीजिए और आप अपना चैनल का भी नाम वहां पे मेंशन कीजिए। मान लीजिए आपका चैनल का नाम टैग से रिलेटेड है तो टैग वर्ड यूज कीजिए। जो भी आपका चैनल का नाम है वो नाम आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए और जो कैटेगरी है, अगर आप गेमिंग से रिलेटेड बनाते हैं तो गेमिंग का भी आप मेंशन कीजिए, अगर आप अर्निंग से रिलेटेड बनाते हैं वीडियो तो आप अर्निंग से रिलेटेड ऐड कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको चैनल कीवर्ड सेट करना है। चैनल कीवर्ड सेट करने के बाद आपको बता दूं कि आप अपने YouTube चैनल का जो लोगो है वो एकदम एट्रैक्टिव बनाइए और आप अपना हो सके तो चैनल का जो लोगो है, जो आपका नाम है उसमें आप मेंशन कीजिए। अगर आप अपना फ़ोटो दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट से रिलेटेड लोगो बना रहे हैं तो हो सके तो आप अपना चैनल का जो भी नंबर है, अपना चैनल का जो भी टेक्स्ट है उसे आप वहाँ पर ऐड कीजिए। साथ ही आपका चैनल का जो बैनर होता है, बैनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस बैनर में आप अपना चैनल का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो चैनल का आपका अबाउट सेक्शन होता है, वहाँ पे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है, वहाँ पे दोस्तों आप अपना चैनल का नाम मेंशन कीजिए। हो सके तो हैशटैग और आपका चैनल का नाम लिखिए। इसके अलावा @ करके आप अपना चैनल का नाम लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो का जो टाइटल होता है उसमें हो सके तो आप अपना चैनल का नाम कुछ दिन तक अगर आप यूज़ करते हैं। साथ ही जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप हैशटैग चैनल का नाम, साथ ही आप जो है अपना चैनल का नाम मेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो का जो टैग होता है उसमें भी अगर आप मेंशन करते हैं अपना चैनल का नाम, तो आप यकीन मानिए 24 से 48 घंटों के अंदर में आपका चैनल रैंक करने लगेगा, मतलब जो भी सर्च करेगा आपका चैनल वो फर्स्ट उसको दिखाएगा। ठीक है, आपका चैनल नया है
तो आपको पता है कि नया नया चैनल में जो है पता ही नहीं चलता है, चैनल सर्च में नहीं आता, लेकिन इन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका चैनल सर्च में बहुत ही जल्द आ जाएगा। और अगर आपका चैनल सर्च में आएगा तो लोग आपके चैनल को विजिट करेंगे और उसके बाद आप ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकते हैं। तो आपको जो भी मैंने टिप्स बताया है, अगर अधूरा है आपके चैनल पे, अभी तक आपने चैनल पे अगर कीवर्ड सेट नहीं किया है या आपने हैशटैग नहीं यूज़ किया है, तो आप जल्दी से इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने चैनल को सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट मिलता है सही, तो आप इस वीडियो में आके एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही दोस्तों, आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।